एवरीवन, दिस इज कविता। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन स्टॉक एक्सचेंज मीनिंग। अगर आप न्यू हैं, फॉर यू गाइस आई विल लीव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लिंक को फॉलो करके वीडियो देख सकते हो। आई हैव एक्सप्लेन इन अ शॉर्ट वे। लेट्स मूव टू फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल है, वो क्या काम करता है, वो देखते हैं। फर्स्ट वी विल सी द पॉइंट्स एंड देन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। सो नंबर वन, रोल ऑफ इकोनॉमिक बैरोमीटर। देन नंबर टू, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। नंबर थ्री, ट्रांजैक्शनल सेफ्टी। नंबर फोर, कंट्रीब्यूशंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ। नंबर फाइव, मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। एंड नंबर सिक्स, ऑफर स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। नंबर सेवन, फैसिलिटेट्स लिक्विडिटी। नंबर एट, बेटर कैपिटल एलोकेशन। नंबर नाइन, एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इन लिटिल डिटेल। सबसे पहला पॉइंट जो है, रोल ऑफ एंड इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर का मतलब जैसे स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है। जैसे हमारे पल्स, हमको हमारी बॉडी में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो समझ में आ जाता है पल्स चेक करके। सिमिलर वे में स्टॉक एक्सचेंज भी कोई भी माइनर या मेजर जो भी चेंजेस होते हैं शेयर मार्केट में, चाहे शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, तो सारी चेंजेस हमको कहाँ पे पता चलता है, वो हमको पता चलता है स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज हमको सारे डिटेल्स देता है जो भी चेंजेस होते हैं सिक्योरिटी मार्केट में। नंबर टू, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज आई गेस आपको पता होगा सिक्योरिटीज, फिर भी मैं इन शॉर्ट बताती हूँ। सिक्योरिटीज मीन्स शेयर, डिबेंचर्स या बॉन्ड जो कंपनी इशू करती है और कैपिटल कलेक्ट करता है पब्लिक के पास से, सो दैट वो अपने प्रोडक्शन में और इम्प्रूवमेंट ला सके, प्रोडक्शन बढ़ा सके। सो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब है कि इसके वैल्यूएशन, जो शेयर डिबेंचर्स की जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे डिसाइड होता है डिपेंडिंग ऑन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ सिक्योरिटीज। मीन जो सिक्योरिटीज है उसका पब्लिक में कितना डिमांड है या कितना उसका सप्लाई हो रहा है, लोग उसे कितना परचेज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसका वैल्यूएशन, उसका प्राइस सेट होता है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग उसे परचेज कर सकें। नंबर थ्री, ट्रांजेक्शनल सेफ्टी। मीन्स जो भी ट्रेडिंग होता है सिक्योरिटीज का स्टॉक एक्सचेंज में, वो सेफ है या नहीं। सो ये चीज आपको क्लियर रखना है कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है यहाँ पे जितनी भी कंपनीज होती हैं, जितने भी कंपनी की सिक्योरिटीज होती हैं, वो वेल ऑथराइज्ड एंड चेक करके ही यहाँ पे लिस्ट में आती है। सो ऐसे ही ऑर्डिनरी कोई भी कंपनी यहाँ पे लिस्ट में नहीं होती है। सो आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी ट्रेडिंग होता है, वो सेफ एंड सिक्योर होता है। नंबर फोर, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ लेट्स सी स्टॉक एक्सचेंज कैसे कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सी, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। सो दिस प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण क्या होता है, कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। एंड दिस इज ऑब्वियस, अगर कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। नंबर फाइव, मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। नाउ जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है वो हमको कहाँ से पता चलता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से पता चलती है, तो स्टॉक एक्सचेंज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हमको सारे नए जो इक्विटीज आते हैं उसके जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो अपडेट जो भी मिलता है वो हमको स्टॉक एक्सचेंज में मिलता है। तो बाय डूइंग दिस दे प्रोवाइड और दे मेक पीपल अवेयर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। नंबर सिक्स, ऑफर स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है जहाँ पे हाई रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट में, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है आपके ट्रेडिंग के लिए। जो भी आपके सिक्योरिटीज है वो आप जब चाहो तब आप उसे सेल कर सकते हो। सो देयर कैन बी अ रिस्क, लेकिन हाई रिस्क नहीं होता है। आप स्टार्टिंग में जब भी आपको लगता है कि हाँ ये शेयर के या सिक्योरिटीज के रेट्स अब डाउन हो रहा है और इससे ज्यादा और नीचे गया तो आप लॉस में जाओगे, तो आप जब चाहो तब उसे तुरंत सेल कर सकते हो। नंबर सेवन, फैसिलिटेट्स लिक्विडिटी। सी, आप लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ, जो भी चीजें हैं आपने जो परचेज किया उसको रिलीज करना, उसको बेचना। तो एक इनसिक्योरिटी मन में आती है जब आप कोई भी शेयर परचेज किए होते हो और आपको जब बेचना होता है तो आपको लगता है कि मैं इसको कैसे बेचूं या किसके थ्रू बेचूं। तो ये स्टॉक एक्सचेंज ही ऐसा होता है जो आपको हेल्प करता है आपके शेयर डिबेंचर्स को सेल आउट करने में। लाइक अगर आपको लगता है कि जो भी आपने शेयर डिबेंचर्स, जो भी सिक्योरिटीज आपने परचेस की है, उसका जो भी आपको इनकम या प्रॉफिट मिलना था वो मिल चुका है या आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तब आप उसे सेल करते हो। सो दैट टाइम हु हेल्प्स यू, स्टॉक एक्सचेंज ही आपको हेल्प करता है उस टाइम पे।
नंबर 8 बेटर कैपिटल एलोकेशन. लाइक जनरल जो पब्लिक होती है वो हेजिटेट करती है कोई भी कंपनी में पैसा लगाने से. मीन्स अगर वो कैपिटल देगी तो उसके मन में एक हेजिटेशन होता है, जो भी कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी तो नहीं है. सो फॉर दैट पीपल, दोज हु आर हैविंग दैट फियर इन देयर माइंड, ये उनको टेंशन नहीं लेना होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में होती है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती है, और उनके जो सिक्योरिटीज होते हैं वो हाईली ट्रेडेड होता है. मीन्स बहुत जल्दी वो ट्रेड करते रहते हैं, सिक्योरिटीज को सेल या बाय करते रहते हैं. तो सो देयर इज नो नीड टू हेजिटेट व्हाइल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज. सो ये एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बेटर कैपिटल एलोकेशन. नंबर 9 एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग. स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, और लोगों का क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट बढ़ता है इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि वो और अच्छा अमाउंट सेव कर सकें, ना कि ऐसी चीज़ों में वो इन्वेस्ट करें लाइक गोल्ड सिल्वर, जिसमें उनको रिटर्न के लिए काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है. लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस है वो बहुत फ्रिक्वेंट वे में आपको दिखता है. सो दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट. सो आई होप आपको समझ में आया होगा फंक्शंस क्या है स्टॉक एक्सचेंज के, स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करता है, उसका रोल क्या है. सो मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.